मिड साइज एसयूवी चाहिए और उसमें अच्छी माइलेज भी चाहिए, तो आज हमारे पास टोयोटा की ये अर्बन क्रूजर हाइराइडर। तो नॉर्मली कहीं जब इस साइज की कोई मिड साइज एसयूवी हमें मिलती है तो उसमें हम ज्यादातर देखते हैं कि परफॉर्मेंस हमें अच्छी मिल जाती है, स्पेस फीचर्स वगैरह सब कुछ अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जहां बात आती है माइलेज की, माइलेज हमेशा इन सब कार्स का थोड़ा सा कम ही होता है। चाहे तो इस सेगमेंट की आप कोई भी कार उठा लो, चाहे क्रेटा, सेल्टोस, टाइगून, कुशाक, लेकिन गाइस ये जो मेरे साथ मिड साइज एसयूवी है इसकी जो आपको माइलेज मिलती है वो काफी ज्यादा अल्टीमेट है, क्योंकि बेसिकली एक हाइब्रिड कार है। हम जो मेजरली फोकस करेंगे वो ये करेंगे कि क्यों आपको इस कार को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन के लिए इस वीडियो को एंड देखना ना भूलें। तो गाइस पहले तो आप इसकी रोड प्रेजेंस देख सकते हो, इसका जो लुक्स है वो काफी ज्यादा कमाल के, और ये जो ब्लू कलर इसमें आप देख रहे हैं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और आई कैचिंग भी लगता है, मतलब कि लोग आपकी कार को मुड़ मुड़ के देखते हैं। दूसरा, अगर आप इसका साइज देखेंगे ना तो इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ऐसा भी आपको फील नहीं कराएगा कि आप कोई छोटी एसयूवी के सामने खड़े हैं। तो क्योंकि टॉप वेरिएंट है तो इस वजह से लोडेड है ये सारी फीचर से। 360 डिग्री कैमरा के लिए यहाँ पे आपको एक कैमरा दिया गया है, बाकी आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, डुअल फंक्शनिंग एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, और फिर जैसे ही साइड प्रोफाइल में आते हैं तो काफी हद तक इसका जो डिजाइन है वो आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसा लगेगा, और लगना भी चाहिए क्योंकि ये जो कार है वो बेसिकली मारुति और टोयोटा के कोलैबोरेशन से ही बनाई गई है। बाकी ये जो अलॉय व्हील्स है गाइस ये भी इसमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और इस कार के साइज के हिसाब से परफेक्टली मैच होते हैं। बाय द वे साइज देख सकते हैं आप, 17 इंचेस के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और अच्छी बात यह है कि ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आपको दिए गए यहाँ पे। उससे ज्यादा एक और अमेजिंग चीज आपको मैं बताता हूँ इस कार की, इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं गाइस 210 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस काफी है इसे बैड रोड से ले जाने के लिए। हमने इसे ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर अभी तक ड्राइव कर लिया और लॉन्ग से लॉन्ग ट्रिप पे हम इसे ले गए हैं, किसी भी एरिया में हमने इसे जब ड्राइव किया है तो कहीं से भी इसकी अंडर बॉडी टच नहीं हुई है। तो एक प्रॉपर जो एसयूवी वाला कैरेक्टर आपको मिलता है ना इसमें वो भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और ये जो अर्बन क्रूजर हाइराइडर का आप टॉप वेरिएंट देख रहे हैं इसका जो प्राइस है वो लाइक करेगा समवेयर अराउंड 23 लाख रुपीज, जो कि ऑन रोड प्राइस है। आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि यार 23 लाख रुपीज ऐसा क्या है इस कार में जो कि इतना प्राइस ज्यादा है इसका। आओ एक बार पीछे चल के दिखाता हूँ, उसका राज छुपा है यहाँ पे। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं आपको एक बैटरी मिलती है, क्योंकि ये जो कार है वो बेसिकली एक हाइब्रिड कार है, और आप इस बैटरी की हेल्प से इसे ड्राइव कर सकते हैं मोटर के थ्रू, यानी कि आप इसे ईवी मोड पे भी ड्राइव कर सकते हैं। और गाइस इसकी वजह से इसकी जो माइलेज है वो आपको इतनी अल्टीमेट मिलती है, यानी कि कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो करती है 28 किलोमीटर पर लीटर की। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कितना आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्राइविंग वाले पार्ट में। अभी के लिए आप इसका रियर प्रोफाइल देख सकते हैं, आपको डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं, हाइब्रिड की यहाँ पे एक स्पेशल बैजिंग दी गई है जो कि बताता है कि हाइब्रिड वाला वर्जन है। बस गाइस एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका जो नॉन हाइब्रिड वर्जन आता है उसमें आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है नियरली आपको 373 लीटर्स, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको हाइब्रिड वर्जन में तो एक बैटरी दी गई है, तो इस बैटरी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बूट स्पेस से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और ये जो स्पेस है वो बच जाएगा नियरली 265 लीटर्स का। तो यहाँ पे आप आराम से अपने लगेज को इस साइड कुछ प्लेस कर सकते हैं, इसके अलावा साइड में आप यहाँ पे और अपना उस टाइप का सामान रख सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि एक्सपोज ना हो, और गाइस आराम से इस बूट स्पेस में आपके 3 पैसेंजर का लगेज स्टोर हो जाएगा लॉन्ग जर्नीज के लिए। अब ये तो ओवरऑल हमने चेकआउट कर लिया इसका लुक्स, लेकिन अब आ गया वीडियो का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5-6 दिन से जब मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ और 700 किलोमीटर नियरली मैंने इसे ड्राइव कर लिया है, उसके बाद मैंने फील क्या किया है इस कार के बारे में, और वीडियो को फिर कंक्लूड करते हैं और बताते हैं कि क्या इस कार को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो इस ड्राइव करते दौरान अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइराइडर में मैंने क्या क्या चीजें नोटिस की है, मतलब कि क्या इसमें प्रोज हैं और क्या इसमें कॉन्स हैं। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं, तो प्रोज मैंने आपको बता दी, लुक्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, डिजाइन इसका काफी ज्यादा अच्छा है। ये वाला जो कार विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो बॉनेट है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है, काफी बड़े साइज का लग रहा है और आपको ऐसा फील आता है कि आप एक अच्छी ऊंची खासी कार में बैठे हैं। दूसरा प्रो है कि फीचर्स आपको काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं, मतलब कि वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। अब जाहिर सी बात है ये वाला टॉप वेरिएंट, तो एचयूवी सेटअप भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बेस्ट फीचर है इसका वो है इसकी पावर ट्रेन, और जाहिर सी बात है ये हाइब्रिड कार है तो इस वजह से यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलती है, यहाँ पे आपको एक बैटरी पैक भी मिलता है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है ये। मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन किया और एनर्जी फ्लो है, ये आप एनर्जी फ्लो देख सकते हैं, ये आपके एमआईडी में भी डिस्प्ले में होता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में कि कैसे गाड़ी ड्राइव हो रही है। अभी गाड़ी की स्पीड देख सकते हैं अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अभी हम ड्राइव कर रहे हैं इसे, और अभी जो गाड़ी ड्राइव हो रही है ये हो रही है मोटर की हेल्प से, यानी कि ये जो बैटरी है पीछे ये इतनी चार्ज है कि मोटर को पावर दे रही है और इससे हमारे व्हील्स घूम रहे हैं, यानी कि बेसिकली अभी जो गाड़ी ड्राइव हो रही है ये हो रही है प्योर इलेक्ट्रिक मोड पे। जब तक ये मोटर से ड्राइव होती है तब तक ये गाड़ी
आपका फ्यूल का कोई भी कंजप्शन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपका फ्यूल बच रहा है। अब बच रहा है तो इस वजह से आपकी जो माइलेज है वो ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी निकलती है। और मिड साइज एसयूवी से जनरली लोग इतनी ज्यादा माइलेज अच्छी एक्सपेक्ट करते नहीं है, बट जब आपको मिल रही है तो एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली इस कार के लिए बन जाता है। अब देख सकते हैं, मैं थोड़ा एक्सेलरेट करूंगा और ये देख सकते हैं अब हो गया इसका इंजन और मोटर दोनों एक्टिवेट, यानी कि अब ये गाड़ी ड्राइव हो रही है इंजन और मोटर दोनों से। तो आप जैसे एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं तो आपको एक पुल मिलता है, मैं दिखाता हूं आपको कैसे। पर्टिकुलरली अभी जिस मोड पे मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ इको मोड पे। स्पोर्ट मोड भी मिलता है इसमें आपको, नॉर्मल मोड भी मिलता है, बट मैंने जो ज्यादातर से ड्राइव किया है वो क्या है नॉर्मल और इको मोड पे, क्योंकि जो इको मोड पे माइलेज जो होती है ना इसकी वो काफी ज्यादा अच्छी है। आपको माइलेज इंस्टेंटेनियस माइलेज दिखा देता हूँ इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल इकोनॉमी 19.3 किलोमीटर पर लीटर की ये शो कर रहा है। दूसरा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पे दे दिया गया है। पैनोरामिक सनरूफ इतनी बड़ी दे दी है इस गाड़ी में कि मतलब इस सेगमेंट की कोई और कार इतना ज्यादा पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर नहीं करती कि पूरी तरह से वो ओपन हो जाए, ऑलमोस्ट 60-70% ओपन हो जाती है। अब ये बात कर ली हमने पूरे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, अब आते हैं मेजर पॉइंट्स पे जो कि है इसका नेगेटिव पॉइंट। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, एक्सेलरेट करता हूं मैं पहले, ये देख सकते हैं गाइस, ये जो आपको नॉइज आ रही है ना इंजन में से ये काफी ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि ये जो इंजन आपको मिल जाता है इसमें वो मिलता है 3 सिलेंडर यूनिट का, ऑल्दो है टोयोटा का इंजन और परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंटली देता है, बट ये है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और साथ ही साथ ये 3 सिलेंडर यूनिट है। तो इस वजह से रिफाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इसकी, नॉइज आपको कैबिन में फील होगी ही होगी थोड़ी सी। अच्छा इनिशियली अभी तक जब तक ये गाड़ी बैटरी से चल रही है या मोटर से चल रही है तब तक तो बिल्कुल शांति वाला फील आएगा आपको। अब मैं एक्सेलरेट करता हूं तो जैसे ही इंजन प्ले में आता है तब ये तुरंत बहुत ही ज्यादा वोकल हो जाती है और ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसी कार में बैठे हैं जो कि बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं है। दूसरा क्या कमी मिलती है, दूसरी ये मिलती है कि अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे ना एक बार तो इंटीरियर ऑल्दो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है बट ये वाला जो स्टीयरिंग है और स्पेशली ये वाला जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वाला पार्ट है ये आपको याद दिलाएगा मारुति सुजुकी की कार्स की। तो अगर आप 23 लाख रुपीज इस पर स्पेंड करेंगे अपने तो कहीं ना कहीं आपको इंटीरियर ऐसा फील आएगा कि यार आप एक एफोर्डेबल मारुति सुजुकी की कोई कार देख रहे हैं। ग्रैंड विटारा हो गई या फिर अर्बन क्रूजर हाइराइडर हो गई, ये दोनों ही मारुति सुजुकी और टोयोटा के कोलैबोरेशन से बनाई गई है। बस डिफरेंस इतना है कि इस हाइब्रिड वर्जन में जो इंजन यूज हुआ है ना वो टोयोटा का है और टोयोटा का जहां पे इंजन यूज हो जाता है तो वहां पे रिलायबिलिटी फैक्टर जो आता है ना वो डेफिनेटली गेम चेंजर हो जाता है और यहां पे भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी क्योंकि टोयोटा की जो सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है ना गाइस वो अक्रॉस द वर्ल्ड जानी जाती है। मैंने कैमरी ड्राइव कर ली, मैंने लेक्सस ड्राइव कर ली, तो इस वजह से एक प्रॉपर प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म रिव्यू के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि टोयोटा की जो रिलायबिलिटी है और इनकी मेंटेनेंस है ना हाइब्रिड कार्स की वो काफी ज्यादा कमाल की है। इसमें जो आपको स्पेस मिलता है वो बेसिकली 4 adults के लिए परफेक्ट है। अगर 5वां adult बीच में बैठेगा तो वहां पे आपको पीछे वाली सीट में जो हम्प मिलता है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है जो मिडिल पैसेंजर होगा। तो गाइस अब मैंने आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बता दिए, अब बारी है कंक्लूजन पे आने की क्योंकि कंक्लूजन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले गाइस अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि एक ऐसी कार चाहते हैं जिसमें आपको रोड प्रेजेंस अच्छी मिले, यानी कि गाड़ी अपीलिंग हो, आप ड्राइविंग सीट पे इस तरह से बैठे हो कि आपको एक एसयूवी वाला कैरेक्टर मिले और लोग आपकी गाड़ी को बार बार मुड़ मुड़ के देखे, तो डेफिनेटली ये गाड़ी जो है वो आपको पसंद आनी ही आनी है। स्पेशली ये वाला जो ब्लू कलर है ना गाइस ये ले लो एक बार को। दूसरा किन लोगों को पसंद आएगी गाड़ी, उन लोगों को आएगी जो माइलेज के शौकीन है। यहाँ पे आपको मोटर भी मिल जाती है और इंजन भी मिल जाता है, तो कंबाइंड पावर जो ये प्रोड्यूस करती है वो करती है नियरली 115 PS। तो ओवरऑल यही दो फैक्टर थे जिसकी वजह से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की, किन लोगों को ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले उन लोगों को गाड़ी शायद ये ज्यादा ना पसंद आए जिन्हें माइलेज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें चाहिए कि स्पेस अच्छा मिले और गाड़ी की स्पीड में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो चाहते हैं कि टर्बो पेट्रोल इंजन वाली परफॉर्मेंस आपको मिले, तो शायद ये गाड़ी उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद ना आए। बट ओवरऑल मुझे पर्सनली यूज के लिए ये गाड़ी लेनी पड़ी तो मुझे डेफिनेटली गाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मैंने इसे 5-6 दिनों से बहुत ही ज्यादा यूज किया है, मैं इसे लॉन्ग ट्रिप्स पे ले गया अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ले गया था मैं। बाकी अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।